सभी को नमस्कार। मैं रमेश बड़ोनी, फिजिक्स प्रवक्ता, आज नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, जो आज आप नया कुछ सीखेंगे उसमें सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि धातु में विद्युत आवेशों की गति क्या होती है, कैसे हम इसको समझेंगे। विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग के बीच में हम संबंध स्थापित करेंगे। ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन करेंगे, जो कि हमने पहले कक्षा 10 में भी किया हुआ है, लेकिन उसको हम दोबारा से यहाँ पर करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन गतिशीलता, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और उसको डिराइव भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसी तरह से ओम के नियम का सत्यापन के साथ साथ हम यहाँ पर वोल्टेज और करंट के अभिलक्षण वक्र भी खींचेंगे। तो आओ शुरू करते हैं पाठ आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो आसानी से ऊष्मा और विद्युत आवेशों को अनुमति देते हैं, वे एक अच्छे ऊष्मा वाहक होते हैं, जिन्हें हम ऊष्मा चालक कहते हैं। इसी तरह से जो आवेश वाहक चालक होते हैं उनको हम धारा चालक कहते हैं। इसी तरह से आप ये भी जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा यानी यह किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से आवेश वाहकों की प्रवाह दर होती है, यानी आवेशों के बहने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसी तरह से आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण उससे बल का अनुभव होता है। जब उसे किसी विद्युत चुंबक के क्षेत्र में रखा जाए तो वहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन सभी कहीं ना कहीं पर किसी बल का अनुभव करते हैं। तो यानी आवेश किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इसी तरह से विभव और विभवांतर क्या होते हैं। किसी चालक में मौजूद आवेश द्वारा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में किया गया कार्य या इकाई धनावेश द्वारा किया गया कार्य को हम विद्युत विभव और विभवांतर कहते हैं। इसका एक्सप्रेशन हम जैसे कि जानते हैं V बराबर W बटे Q यानी कार्य बटे आवेश। आगे हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है किसी चालक के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर या किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन या आवेशों का बिहेवियर देखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों में समृद्ध होती हैं, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं जो लगातार गति में होते हैं। धातुओं में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों हैं, यह जानना जरूरी है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति किस पर निर्भर करती है, और धातुओं में आसानी से अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की खोने की प्रवृत्ति होती है, ऐसा क्यों है, और उनके परमाणु जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों में योगदान करते हैं आयन बन जाते हैं। तो यह सब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत धारा का प्रभाव यानी गति। इसलिए विद्युत प्रभाव का अर्थ है आवेशों का प्रभाव यानी चार्ज का मोशन। भौतिक राशि के रूप में विद्युत प्रभाव को किसी माध्यम या चालक से आवेशों के प्रभाव के रूप में भी प्रवाहित करते हैं, यानी कि यह वैसे ही है जैसे कि किसी तरल में गैसों का प्रभाव होता है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पानी में प्रभाव होता है, हवा में प्रभाव होता है, उसी तरह से विद्युत प्रभाव की बात कर सकते हैं, यानी आवेशों का गतिमान होना प्रभाव कहलाता है, करंट कहलाता है। अब हम यहाँ पर करंट को समझने के लिए आपको यह बताएंगे कि आखिरकार ये करंट हम कैसे समझेंगे। तो किसी भी चालक के अंदर हमें पता है आवेश होते हैं, तो कंडक्टर के इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड आवेशों की प्रवाह दर धारा कहलाती है। यानी जब किसी कंडक्टर से चालक से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी इकाई क्षेत्रफल से, तो वही प्रवाह दर आवेशों की विद्युत धारा बनती है। इसका मात्रक एम्पियर है, और विद्युत धारा एक निश्चित दिशा में होती है जो हमेशा
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है। यह एक अदिश राशि है। यह अदिश राशि क्यों है? क्योंकि यह वेक्टर के योग नियम का पालन नहीं करती। तो जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ पर I1, I2 दो करंट हैं जो एक पॉइंट पर आ रही हैं, वो I3 बन जाती हैं, यानी उनका एल्जेब्रिक सम हो जाता है। तो I3 बराबर I1 प्लस I2, जो यह बताता है कि यह एक अदिश राशि है। अब हम यह बताएंगे आपको कि कैसे जो है किसी भी परिपथ में या किसी कंडक्टर में आवेशों का प्रभाव होता है और वो किस तरह से करंट को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो विद्युत धारा को हम परंपरागत रूप से या कन्वेंशनल रूप से ऐसे समझते हैं कि किसी भी सर्किट में जो विद्युत धारा है वह आवेशों की प्रवाह दर है। और यह मान लिया जाए कि विद्युत प्रवाह की दिशा धनात्मक आवेशों के प्रभाव की दिशा में होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर, कि किसी भी परिपथ के लिए हम करंट की जो डायरेक्शन दिखाएंगे वो प्लस से माइनस की ओर दिखाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो हमें यहाँ दिखा रहा है कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यह दिशा विद्युत परिपथ में पारंपरिक रूप से चिन्हित की जाती है और इसी को हम फॉलो करते हैं कि धनावेश या प्रोटॉन नाभिक के भीतर जब स्थित हो, इसलिए इलेक्ट्रॉन की धारा परंपरागत रूप से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दर्शाई जाएगी। अतः इलेक्ट्रॉन जो एक नाभिक में कमजोर बल से बंधे होते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन परमाणु मॉडल व्यवस्था में भी साझा की जाती है। जैसे कि किसी गैस प्रवाह के लिए कमजोर बल की कल्पना कर सकते हैं, उसी तरह से किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक बाहरी प्रतिक्रिया करते हैं और जो विद्युत क्षेत्र में चार्ज वाहक के रूप में होते हैं, अर्थात पदार्थों में जो आवेश वाहक हैं वह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही माने जाते हैं। जैसे कि ठोस में हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, तरल में यानी लिक्विड में हमारे आयन्स होते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गैसों में हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन या आपके पास जो आयन होते हैं वो होते हैं। तो आयन का मतलब यह है कि आइदर उन्होंने नेगेटिव चार्ज गेन किया है या पॉजिटिव चार्ज गेन किया है, उनको हम आयन बोलते हैं। तो किसी भी पदार्थ में आवेश वाहक ज़्यादातर यहाँ पर समझने के लिए हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, चालक की बात कर रहे हैं। तो आइए हम इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक देख रहे हैं कि हमने एक हाई प्रेशर एंड और एक लो प्रेशर एंड दिखाया है और यहाँ पर किसी लिक्विड को फ्लो कराया है, जो हमारा लो टर्मिनल है वहाँ पर प्रेशर कम है और जो हाई टर्मिनल है वहाँ पर जो है हमने प्रेशर को ज़्यादा दिखाया है, और यह लिक्विड जो है किसी मास के थ्रू जो है पास हो रहा है, या आप ऐसा कह लीजिए कि इन्हीं को हम मान लें कि यहाँ से जो है कोई कण या कोई पार्टिकल फ्लो कर रहा है जो हाई एंड पे है और लो एंड पे जाकर जो है उसकी जो क्षमता है वो घट रही है। इसका जो कारण है वो मैस हो सकती है, यानी ये जो हमने बीच में फिल्टर जैसा ये जाली जैसा कुछ लगाया है, इसके थ्रू होके जब लिक्विड गिर रहा है बाहर निकल रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा है। अर्थात जैसे कि द्रवों में दावांतर को द्रव प्रभाव से ज्ञात करते हैं, इसी तरह से विद्युत प्रवाह की दर दो टर्मिनल के विभव के अंतर से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि उच्च से निम्न विभव की ओर जाने पर यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसका कारण जैसा कि विभवांतर में समझ रहे हैं वैसा ही विद्युत धारा के केस में समझा जा सकता है। इसी प्रकार प्रतिरोध भी धारा प्रभाव के लिए वह कारक है जो इसके प्रभाव को नियंत्रित करता है, यानी यहाँ पर जो ये मैस लगी है, ये जो जाली लगी है, एक तरह का प्रतिरोध का काम कर रही है, जिसकी की प्रकृति क्या है, आवेशों के प्रभाव को नियंत्रित करना। तो किसी भी सर्किट में लगा हुआ जो कंडक्टर होता है
वह रेजिस्टेंस को ऑफर करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन या आवेश की प्रवाह दर नियंत्रित होती है या विद्युत धारा वहां पर उसका फ्लो जो है वो चेक होता है, कंट्रोल होता है। जैसा कि चित्र में यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो हमारा आने वाला जो द्रव है उच्च ताप पर है, यानी वो उच्च विभव पर है, और जो निकलने वाला द्रव है वो निम्न विभव पर है, जिसका कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जाली है जो एक तरह का प्रतिरोध है जो दाब को कम कर रही है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट का या विद्युत धारा का मान कम कर रही है। तो हमने यहाँ पर एक मैकेनिकल एग्जांपल से द्रवों के दाबांतर से करंट को समझाने की कोशिश की है। तो अब आओ मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर किसी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस आर लगा है और उसमें आई धारा प्रभावित हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो धारा का परिणामी मान है वो प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर धारा का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने पर जो विभवांतर है वो 200 से जो है वो 120 वोल्ट ही रह जाता है, यानी 80 वोल्ट जो है वो हमारा लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह धारा का जो परिणाम आया है, यहाँ पर जो धारा का मान बदलेगा वो इस प्रतिरोध के कारण बदलेगा जो हाई और लो एंड पर, जिसका मान या विभवांतर जो 80 वोल्ट हो गया है। यानी कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू IR ओम के नियम से अगर हम से ज्ञात करें तो 80 वोल्ट का विभवांतर यहां पर प्रतिरोध का कारण है। अब हम ज्ञात करेंगे धातुओं में या मेटल में आवेश प्रवाह और अपवाह वेग में संबंध, यानी फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है या एटम जो है वो फ्री स्टेट में होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिखाया है आपको कि इस चित्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति प्रदर्शित की जाती है, कि यानी इलेक्ट्रॉन या आवेश मुक्त रूप से गति कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने जाने में कई जगह पर उनके बीच में संघट होता है, यानी वो कोलिजन करते हैं और कोलिजन के बाद वो वापस फिर एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के कारण जो है वहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि संघट और प्रतिसंघट यानी कोलिजन और रिकोलिजन के कारण, यानी रिबाउंड होने के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में बहुत समय ले लेता है। इसका अर्थ है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की गति है या उनका जो औसत वेग है उसका मान कम हो जाता है, और इसी वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो हम यहाँ पर कन्वेंशनल डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन फ्लो की जो दर है वो कन्वेंशनल करंट के फ्लो के हमेशा अपोजिट होती है, और इसका जो वेग होता है वो बहुत कम होता है, जिसको हमने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना। तो किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग जो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो उसे हम ड्रिफ्ट वेग कहते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र को हम थोड़ी देर के लिए नेग्लिजिबल मान लें तो उस स्थिति में सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करने पर जो उनकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि वहाँ पर औसत वेग शून्य हो जाएगा, यानी वो नॉन डायरेक्शनल हो जाएंगे, उनका जो वेग है वो शून्य हो जाएगा। मान लिया कि हमने यहाँ पर एक चालक दिखाया है और उसकी अलग अलग वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों की उसके अंदर है U1, U2, U3, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, टकराने के फलस्वरूप उनके जो वेग हैं वो अलग अलग हैं। तो अगर उनके थर्मल वेग हमने मान लिए U1, U2, U3 और उनकी संख्या हमने n प्रति इकाई आयतन मान ली, तो उस समय जो उनका एवरेज वेलोसिटी होगा U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0 होगा। इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में मौजूद हो, यानी वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स हो,
या आप कह लीजिए कि हमने कंडक्टर को विद्युत क्षेत्र में रखा हो, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जो आवेश हैं वो फोर्स को अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि हमने चित्र में दिखाया है, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बल उत्पन्न करते हैं जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक सिरे को गति करने पर उत्पन्न त्वरण का मान दर्शाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ए बराबर ई और कैपिटल ई बट एम, तो ई यानी यहाँ पर जो स्मॉल ई है वो आवेश है और कैपिटल ई वो विद्युत क्षेत्र है और एम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो जैसा कि हमने अभी चित्र में देखा है, यहाँ पर एक चालक है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम उनकी गति को यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं गति के समीकरण v बराबर u प्लस at से। तो यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेग होंगे वो जैसे कि हम इस समीकरण से निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए v1 v2 v3 अलग अलग वेलोसिटी हैं। तो जैसे v1 बराबर u1 प्लस a tau 1, और इसी तरह से v2 बराबर u2 प्लस a tau 2 प्लस v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a tau 3। इसी प्रकार से हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ज्ञात कर लेते हैं vn बराबर un प्लस a tau n, जहाँ tau n क्या है वो रिलैक्सेशन टाइम है, दो संगत के बीच का औसत समय है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एवरेज टाइम जो है वो दो कोलिजन के बीच का या दो से अधिक कोलिजन के बीच का समय है, उसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं tau is equal to t1 plus t2 plus t3 plus on divided by n, यानी नंबर ऑफ जो टाइम्स हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटीज़ के लिए उनका हमने यहाँ पर औसत मान ले लिया। तो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इन सभी वेलोसिटी के मान को जोड़ देंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n, और हम इस v1 v2 v3 के मान को रख देंगे तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा vt इज इक्वल टू u1 प्लस a tau 1 प्लस u2 प्लस a tau 2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n, और इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे तो u हमने बाहर कॉमन ले लिया और t वाले पद एक तरफ कर दिए, तो ये vt बराबर हो गया u1 प्लस u2 प्लस o1 डिवाइडेड बाय n प्लस a tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau n डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि हमें पता था कि स्टैटिक वेलोसिटी वहाँ पर जो है वो जीरो है, तो vt इज इक्वल टू ये हो गया जीरो यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस a tau। तो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी हो गई वो क्या हो गई, vd इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय m इनटू tau। ये हमने vd जो निकाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सापेक्ष निकाला है, इसलिए यहाँ पर पीछे वाले समीकरण से हमने जो a का मान था वो यहाँ पर रख दिया। और जनरली ये देखा गया है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो 10^5 मीटर पर सेकंड ऑर्डर की होती है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो लगभग जो है 10^-4 मीटर पर सेकंड ऑर्डर की होती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी हाई है कि वहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यानी जो कोलिजन वेलोसिटी है, औसत वेलोसिटी है, वो नेग्लिजिबल है, यानी 10^-4 मीटर पर सेकंड है, बहुत कम है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गतिशीलता की, यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। तो किसी चालक के आवेश वाहक की जो विद्युत धारा के प्रभाव होने के लिए जिम्मेदार है उसी को हम कहेंगे गतिशीलता, यानी कि किसी भी इकाई विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक का अपवाह वेग ही गतिशीलता है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का परिणाम बटे इलेक्ट्रिक फील्ड, या
इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वही इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होगी। इसके एक्सप्रेशन को अब आप कई तरह से खोल सकते हैं, जैसे म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, हम वी डी का वैल्यू रख देंगे, पीछे अभी हमने निकाला है, तो वी डी के वैल्यू रखने से ये हमारा क्या हो गया है, म्यू इज इक्वल टू की ई टाऊ अपॉन एम ई, और यहाँ पर हम ई को ई से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू हो गया क्यू टाउ डिवाइडेड बाई एम। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता विशिष्ट आवेश अनुपात और श्रांतिकाल पर निर्भर करती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का ई बटे एम यानी प्रोटॉन से अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अधिक गतिशील होते हैं, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अब इसी तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं विद्युत धारा और अफवाह वेग में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई और वी डी में संबंध ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि हमने एक कंडक्टर लिया है और उस कंडक्टर में हमने उसकी लंबाई को एल मान लिया है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी या वी डी मान ली, और जो बैटरी यहाँ पर लगी है उसके लिए हमने यहाँ पर जो करंट है उस करंट का जो मान है हमने यहाँ पर आई ले लिया है और उस कंडक्टर की लेंथ को कैपिटल एल माना है। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है तो उसकी लंबाई एल होने पर वहां चालक का जो सेक्शन एरिया है उसका जो आयतन होगा वो ए इंटू एल होगा, और इस इकाई आयतन पर यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम एन मान लें तो कुल आवेशों की संख्या इस कंडक्टर में n बराबर स्मॉल n इंटू आयतन यानी a इंटू l होगी। अब इस आयतन पर जो कुल आवेश होंगे वो एलिमेंट्री, हमने यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन लिया है तो वहाँ पर जो आवेश होंगे उनको हम कहेंगे डी क्यू इज इक्वल टू ई इंटू एन ए एल। ई यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो बाह्य विद्युत बल के कारण यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा कर रहा है। तो उस समय यानी तात्क्षणिक समय में, तात्कालिक समय पर इलेक्ट्रॉन जब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से दूसरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में जाएंगे तो आवेशों का जो प्रभाव है वो औसत धारा यानी विद्युत धारा को उत्पन्न करेगा। तो जो औसत धारा का मान होगा वो हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया ई एन ए एल डिवाइडेड बाई जो हमारे पास टाइम होगा वो क्या होगा, यानी ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो यानी एल अपॉन वी डी। तो इसको हम अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एल से एल कट गया, वी डी ऊपर चला गया, तो आई बराबर हो गया एन ए ई वी डी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो करंट का जो मान है वो एन ई ए वी डी के बराबर हो गया। इसी तरह से अब हमारे पास आई का मान आ गया तो हम ओम के नियम का सत्यापन यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम क्या है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं यदि स्थिर है तो चालक में प्रभावित धारा जो है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। ये हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं। तो इस पर हम यहाँ पर सीधा सीधा हमने ये प्रैक्टिकल के तौर पर भी किया है, हम जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, तो V और I जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्राफिकली भी दिखता है कि अगर हम वोल्टेज और करंट में ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर जो dV by dI आएगा उसका मान एक कांस्टेंट के बराबर होगा जो R को रिप्रेजेंट करेगा, यानी R यहाँ पर चालक का प्रतिरोध है जो हर स्थिति में यदि ओम का नियम का पालन करता है तो उसका मान कांस्टेंट आएगा। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी गतिमान आवेश के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान हमने पीछे ज्ञात किया था ई टाउ बटे एम, तो वी डी बराबर हमारे पास हो जाएगा ई वी टी बाई एम एल, और ई बराबर हमें पता है वी बटे एल होता है यानी पोटेंशियल बटे लंबाई। तो हम इसका यूज करते हुए यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे पास आई का मान हो जाएगा एन ए ई ई वी टी बाई एम एल, ये मान को हम यहाँ पर रख देंगे। तो इस समीकरण का प्रयोग
कर हम कह सकते हैं कि हमारे पास v बटे i बराबर क्या हो गया ml n e square tau a बराबर r। ये समीकरण को यूज कर लेना है हमने, यानी i का मान रख देना है और v का मान हमें पता है e बराबर v बटे l से, तो हमारे पास ये जो समीकरण आई है वो ये बताती है कि यहाँ पर जो r है वो एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ ए के है और यही ओम का नियम है। तो आज हमने इस चैप्टर में जो सीखा वो सीखा क्या कि धातु में विद्युत आवेशों की गति क्या होती है, विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या संबंध है, ओम का नियम क्या है, हम उसे कैसे सत्यापित करेंगे, गतिशीलता क्या होती है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे परिभाषित करेंगे, और ओम के नियम से हमने उसका ग्राफ प्लॉट करना सीखा।